हनुमान जी और देवी काली की कथा का उल्लेख कृतिवसी रामायण के माही रावण भाग में होती है। माही रावण रावण का भाई था। माही रावण को ही आही रावण भी कहा जाता है। अपने बेटे मेघनाथ के मारे जाने के बाद रावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को मारने के लिए पाताल लोक के राजा आही रावण की मदद ली थी। एक रात आही रावण ने अपनी माया का उपयोग करते हुए विभीषण का रूप धारण किया और भगवान राम के शिविर में प्रवेश किया। वहां उसने वानर सेना पर निंद्रा मंत्र डाला और भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। आही रावण देवी काली का एक अनुगामी भक्त था और रावण ने उसे भगवान राम और लक्ष्मण को महामाया को प्रसन्न करने के लिए वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बताया। जिससे उत्साहित हो आही रावण ने भगवान का अपहरण किया था। इधर हनुमान जी ने विभीषण से रास्ता समझने के बाद अपने प्रभु को मुक्त कराने के लिए पाताल लोक पहुँचे और वहाँ उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकरध्वज से हुई। उनको मकरध्वज के साथ युद्ध करना पड़ा क्योंकि मकरध्वज ही आही रावण का द्वारपाल था। हनुमान जी ने उसे हराकर उसे उसकी पूंछ से बांध दिया और महल के अंदर चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात चंद्रसेन से हुई, जिसने भगवान की बलि और आही रावण को मारने के तरीके के बारे में बताया। हनुमान जी ने एक छोटा रूप धारण किया और पूजा कक्ष के अंदर एक फूल में प्रवेश किया। अंदर भगवान राम और लक्ष्मण के बलि की तैयारी चल रही थी। वहां हनुमान जी ने भीषण रूप धारण कर आही रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। तभी हनुमान जी को चंद्रसेन की बात याद आई कि आही रावण की मृत्यु केवल तभी संभव है जब 5 दिशाओं में जलते हुए 5 दीपक एक साथ बुझा दिए जाएं, जिससे आही रावण की शक्ति खत्म हो जाएगी। तब हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया और 5 दिशाओं में स्थित 5ों दीपक फूंक मारकर बुझा दिए और आही रावण का सिर काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर रख जैसे ही उड़ान भरी तो उन्होंने मकरध्वज को अपनी पूंछ से बंधा देखा। उन्होंने उसे बंधन मुक्त कर पाताल का राजा बनने का आदेश दिया। आही रावण या माही रावण की कहानी पूरब के रामायण में अपना स्थान पाती है। यह कृति बस द्वारा लिखित रामायण के बंगाली संस्करण में है। इस घटना के बारे में बात करने वाले मार्ग को महीरा बोनर पाला के नाम से जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि हनुमान जी से प्रसन्न होने के बाद देवी काली ने उन्हें अपना द्वारपाल होने का आशीर्वाद दिया और इसलिए देवी के मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर भैरव जी और हनुमान जी पाए जाते हैं।